बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से इस ई सिंपोजियम में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम फौजिया सान फारूकी है, उर्दू का गुलदस्ता की किताबों की मुसन्निफा हूँ। ये किताबें प्री प्राइमरी से आठवीं जमात के तलबा के लिए लिखी गई हैं। उसके साथ साथ इनकी मुआविन कुतुब भी हैं। मुआविन कुतुब भी यानी पढ़ने के लिए जो उसमें मवाद है वो प्री प्राइमरी से पांचवी जमात तक के लिए है। इसी तरह उर्दू खुशखती सिलसिला की किताबें हैं जो कि प्री प्राइमरी से पांचवी जमात तक के लिए मुरतब की हैं। कायदे हैं और कुछ और चीज़ें हैं, टीचिंग गाइड्स लिखी हैं और भी कुछ ऐसे काम किए हैं छोटे मोटे। तो तदीस के पेशे से मुंसलिक हूँ 25 साल से, और उसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर भी करवा चुकी हूँ और करवाती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी मेरे दोस्त, बहुत सारी मेरी साथ की असाज़े ग्राम हैं जो कि जिनकी शमूलियत रहती है काम में अल्हम्दुलिल्लाह, मशरों में, दुआओं में अल्हम्दुलिल्लाह। आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे कि उर्दू की तदरीस सानी जमातों में कैसे करवाई जाए। सानी जमातों से मुराद है के छठी, सातवीं और आठवीं जमात में उर्दू की तदरीस के ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए और इसमें तलबा की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि ये उस उम्र में होते हैं बच्चे जब उनकी तवज्जो पढ़ाई की तरफ ही रागिब करना मुश्किल होती है। कुछ आके हम उर्दू उनको पढ़ाने की बात करें और अक्सर असाज़ा और वालदेन का मुझे ये तबसरा मिलता है कि बच्चे उर्दू में दिलचस्पी नहीं लेते। तो हम आज इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ पहले थोड़ा सा उर्दू का जायजा लें कि उर्दू है क्या। उर्दू को बतौर मुआशरा अगर असाज़ा कराम और असाज़ा के साथ वालदेन भी मुनासिब उसको तवज्जो नहीं देंगे, उसका हक नहीं देंगे, तो बच्चों की दिलचस्पी का कायम करना या बच्चों में दिलचस्पी बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हुआ हुआ है, इसकी बात भी करते हैं। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग सारे जहां में धूम हमारी जबान की है और इसमें कोई शक नहीं। आपको दुनिया के हर गोशे में उर्दू बोलने नहीं तो समझने वाले तो जरूर मिल जाएंगे। और ये बड़ी खतरनाक बात भी होती है कि कहीं आप बाहर जाते हैं और आपस में उर्दू में गुफ्तगू कुछ भी कर रहे होते हैं और आपके साथ जो शख्स या कोई भी खड़ा होता है और थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि उसको तो उर्दू समझ आती है, तो बस औकात वो बोल के भी आपसे कहता है कि जी मैं उर्दू जानता हूँ या जानती हूँ। ये तो खैर अलग से एक बात थी। उर्दू 400 साल पुरानी जबान है, ठीक है, सिर्फ 400 साल। इससे इसके बरक्स बाकी जमाने बहुत सालों पुरानी है, ठीक है, तो सदियों पुरानी है, मगर नई जुबान होने के बावजूद उर्दू की अपनी चाशनी, उर्दू का अपना रंग है जो कि वो उसने कायम किया हुआ है और अपनी बका की जंग वो अभी भी लड़ रही है और माशाल्लाह उसमें कामयाब भी है। यहाँ पर ये मैं बात कर दूँ कि उर्दू के अपनी बहुत सी खासियतें हैं, उन खासियतों की बिना पर वो अपनी अपनी शनाख्त उसने कायम की है। उन खासियतों में से एक खासियत तो इसके हरूफ तहजी का ज्यादा होना है। हरूफ तहजी क्या होते हैं? हरूफ तहजी आवाज़ों की अलामतें होती हैं। वो आवाज़ें जो माहौल में पाई जाती हैं उनको उनको तहरीर का शक्ल की शक्ल में, अलामतों की शक्ल में पेश करना हरूफ तहजी इसकी बुनियादी इकाई है। उसके बाद जब हम ये बात करते हैं कि उर्दू में बहुत सारे हरूफ तहजी हैं तो इसका मतलब है बहुत सारी अलामतें हैं आवाज़ों को बयान करने की, आवाज़ों को को जाहिर करने की, तो उससे बड़ा फ़ायदा है ना। इसकी मिसाल के लिए मैं ये शानुल हक की साहब का एक मजमून था जो मैंने चंपा क्लासिक्स की जमात छठी जमात की किताब में शामिल किया, और इस किताब इस मजमून ने उन्होंने अंग्रेजी से और दूसरी जबानों से उर्दू जबान की का मवाजना किया है।
तो जब हम ये कहते हैं कि उर्दू जबान कई जबानों से मिलकर बनी है, तो इसमें भी हमें मोहतात होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि उर्दू जबान बहुत सी जबानों से मिलकर बनी जरूर है, मगर दुनिया की कौन सी जबान है जो मुख्तलिफ जबानों से मिलकर नहीं बनती। हर जबान में दूसरी जबानों के अल्फाज होते हैं, अंग्रेजी में, फ्रांसीसी, अतालवी, यहाँ तक कि उर्दू के भी अल्फाज हैं, है ना। लुगत आप उठाएं अगर ऑक्सफोर्ड लुगत जो है, जो रऊफ पारिक साहब ने लिखी है, उसमें आप देखेंगे कि आखिर में अंग्रेजी आए गए अल्फाज की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें आपको समोसा, कोयल, जंगल और इस तरह के बहुत सारे अल्फाज मिलेंगे, जो अंग्रेज बाजार, ये सब वो अल्फाज हैं जो अंग्रेजी में बगैर किसी तब्दीली के इस्तेमाल हो रहे हैं, लूट और भी बहुत सा, तो वो इस्तेमाल हो रहे हैं वहां पर अंग्रेजी में। और उसको उन्होंने जैसे इसी मजमून में शानुल्लाह साहब ने कहा है कि चचा बोले हाँ अंग्रेजी में तो ते और दाल तक की आवाज नहीं, मिल्लत को मिल्लत, पाकिस्तान को पाकिस्तान, जिंदाबाद को जिंदाबाद ही लिख सकते हैं, दाल की आवाज नहीं होती ना, डी डी होती है, तो वो फिर कैसे जाहिर होगा। इसी तरह रे नहीं होती वहां पर, है ना। तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा चचा वलीउल्लाह खान आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। चचा बोले तुम बिल्कुल गलत अंग्रेजी बोल रहे हो, अंग्रेजी में खान है ना खान, सिर्फ कान है, दो चश्मे ऐसे जो आवाजें आवाजें हम बनाते हैं, भे फे खे घे वगैरह, वो अंग्रेजी में नहीं हुआ करती। और देखिए उनसे कैसे बोलते हुए लफ्ज बनते हैं, खासतौर पर वो जो आवाजों को जाहिर करते हैं, जैसे भिन भिन, झन झन, छन छन या छुन छुन, खनक धमक, ठाए ठाए, धूम धड़क का, ढोल ढमक का, छूम छनाना न छुन, कहिए तो घुंगरू बजते हुए मालूम होते हैं। ये आवाजें जो हमारी जबान में है, फारसी, अरबी, अंग्रेजी और दूसरी जबानों में नहीं है। एक बात कि सिर्फ मैंने कहा कि दुनिया की हर जबान मुख्तलिफ जबानों से मिलकर बनती है, और वो जो जबाने बुनियादी जबाने हैं जिनसे मिलकर दुनिया की तमाम जबाने बनी हैं, वो संस्कृत है जो हजारों साल पुरानी है, अरबी है जो हजारों साल पुरानी है, और अतालवी जबान है, ठीक। तो इन जबानों से मिलकर वो तमाम जबानें बनी हैं जिनको जो आजकल मुरव्विज हैं दुनिया में। तो उर्दू ने अपनी नई होने के बावजूद अपनी शनाख्त कायम की हुई है, इसके ऊपर हमें एतमाद होना चाहिए, इसमें हम जितने अच्छी तरह अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, और जिस तरह इस जबान में तहजीब समोई है, और हम जब कहते हैं आप तो इसका मतलब होता है हम ताजीम दे रहे हैं दूसरे को। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, हम सिर्फ यू कहते हैं, बेतकल्लुफी में हम तू कहते हैं, और बराबर के लोगों से हम तुम की बात करते हैं, बड़े लोगों के लिए हम है का सेगा इस्तेमाल करते हैं, ये मेरी बाजी हैं, ये मेरी वालदा हैं। तो ये तहजीब जबान में परोई है, जो कि और जबानों में आपको मिलना मुश्किल होगा, मुश्किल ही नहीं शायद होगा ही नहीं ऐसा। उर्दू का गुलदस्ता की निसाबी कुतुब की अब बात करते हैं कि इन किताबों में बच्चों की दिलचस्पी के लिए क्या है, उनके फहमो अदराक की नशोनुमा के लिए क्या है, और कैसे मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए हम तलबा की न सिर्फ दिलचस्पी में इजाफा कर सकते हैं बल्कि उनकी उर्दू जबान पर अबूर और काबिलियत में इजाफा कर सकते हैं। चंपा छठी जमात के लिए है, सूरजमुखी सातवीं जमात के लिए, कंवल आठवीं जमात की किताब है, और उसके बाद नवीं और दसवीं के लिए आप बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो वहां पर उस तैयारी के लिए यानी जो इम्तिहान बच्चों को ओ लेवल बोर्ड में देना है या मैट्रिक बोर्ड में देना है, ये उसकी तैयारी के लिए भी मशकें इसमें शामिल हैं, ताकि तलबा वहाँ पर अच्छे ग्रेड्स ले सकें। लेकिन मैं साझा कराम से बात बिल्कुल वाजे तौर पे कहूँगी कि जबान की तदरीस सिर्फ इम्तिहानों में पास करने के लिए नहीं कराई जाती, वो शख्सियत साजी कर के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए। उम्दा जखीरा अल्फाज, बोलने का एतमाद और बा मुहावरा जबान का इस्तेमाल आपकी शख्सियत को चार चांद लगा देता है। तो ये
जबान की जो ये तदरीस सातवीं जमातों में की जा रही है वो ना सिर्फ तहरीर बेहतर बनाने के लिए है बल्कि शख्सियत को तमाम उम्र का इत्मीनान बख्शने के लिए है। तो इसमें दी गई सरगर्मियों को करवाने का मौका और वक्त जरूर निकालिए ताकि हम आला अहदाफ को का हसूल भी मुमकिन बना सकें। उर्दू का गुलदस्ता की रहनुमाया साजा ऐसी कुतुब है जिसकी जरूरत अरसे से थी। किताबें मिल जाती हैं, उसमें कवायद होते हैं जो उर्दू के कवायद, मैं खुद तदरीस के पेशे से मुंसलिक हूँ रही हूँ, मुझे मालूम है कि जब मैं उर्दू पढ़ाने के लिए खड़ी होती थी तो मुझे जो भी चीज़ जिस भी चीज़ की वजाहत करनी होती थी उसके बारे में मुझे ऐसी चीज़ें दरकार होती थी कि जिसमें मुझे खुद इबहाम ना हो, खुद शक व शुबा ना हो और मैं उन्हें बच्चों तक अच्छी तरह पहुँचा सकूँ। तो उसके लिए फिर उर्दू बाजार से कवायद व इंशा और बहुत सारी किताबें मैंने जमा की थी जिनमें सब में तकरीबन कुछ मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ अल्फाज के इस्तेमाल के साथ तारीफात थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनके लिए खुद मुझे आसान करना पड़ता था बच्चों के लिहाज से। रहनुमाए साज़ा में मैंने ये काम कर दिया कि आप अगर किताब उठा रहे हैं चंपा तो आपको उसमें इन रहनुमाए साज़ा में तैयार मशकें मिलेंगी, हलशुदा मशकें मिलेंगी, सवालों के जवाब मिलेंगे, सरगर्मियों के लिए तजावीज़ मिलेंगी, उसकी वजाहतें मिलेंगी, कोई आपको कोई मुकाबले करवाने हैं उसकी आपको वहाँ पे तरकीब मिलेगी। तो ये रहनुमाए साज़ा आपके लिए बहुत मुफीद है। हर किताब में एक निसाबी गोशवारा भी असाज़ा की मदद के लिए ताकि वही जान सके कि इन कुतुब में अगर आप सातवीं जमात पढ़ा रहे हैं तो तलबा छठी में क्या पढ़ के आए हैं या उनको छठी जमात में क्या आना चाहिए था, अगर नहीं पढ़ के आए तो फिर मेरी जिम्मेदारी है, मैं मौलिमा हूँ, मैं उनको वो नज़रियात भी वाजे करवाऊंगी जो जो उन्हें सातवीं जमात के नए नज़रियात को सीखने में मदद दें, ठीक है। और वो आगे जाके क्या क्या सीखेंगे तो फिर मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूँगी कि मैं अगली जमात के नज़रियात को भी यहाँ मुतारिफ करवा दूँ, ठीक। तो जो मेरी जमात है मैं उस जमात को एक बहुत जामे अंदाज से उस पर मेहनत करूंगी। हाँ, गुज़िश्ता जो भी गैप्स हैं, जो भी जहाँ पे भी खला रह गया है और जो बच्चों को सही तरह से समझ नहीं आया है तो मैं उसका ज़रूर इरादा अपनी मनसूबाबंदी में शामिल रखूंगी और उसके लिए मदद मुझे निसाबी गुशारा देगा। फिर मैं आती हूँ साझा की के लिए मददगार मवाद की फरहमी की बात करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि उर्दू में बहुत कम चीज़ें नेट पे मिलती हैं, किताबों में बहुत कम चीज़ें दस्तयाब हैं, मैसर हैं। तो मेरी दिली हमदर्दियाँ साझा के साथ हैं क्योंकि मैं भी साझा की ही कौम से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं ये सारी मुश्किलात उठा चुकी हूँ। साझा के लिए मददगार मवाद की फरहमी में मौजू अनवान की मकासद की वजाहत इन्हीं टीचर्स गाइड में दी गई है, कुतुब में भी हिदायत बरा साज़ा के नोट्स दिए गए हैं, वाजे तौर पर हासिलात तालुम की निशानदही कर दी गई है, हर किताब में दिया गया निसाबी गोशवारा जो मैंने अभी आपको दिखाया इसकी वजाहत करता है कि आपको किन चीज़ों पर अपनी तवज्जो को मरकूज रखना है, कौन सी महारतें हैं और कौन से अहदाफ हैं जिनका हसूल आपको अपनी जमात में बहुत ज़रूरी है कि आपको करवा दें। आसान पे मशकें हैं और सरगर्मियाँ हैं ताकि मुश्किल और शकील और गंभीर किस्म के अल्फाज और सरगर्मियाँ बच्चों को उर्दू से दूर करती हैं। तो आसान अंदाज में अच्छा सा लेकिन म्यारी उनको सरगर्मियाँ और मशकें करने के मौके दीजिए। रहनुमाए साज़ा जिनका जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ वो www.oup.com पर बिला मुआवजा दस्तयाब है। आप उनको डाउनलोड कीजिए, आप उनके प्रिंट निकालिए, आप मोबाइल में पीडीएफ फॉर्म में डालिए और उनसे फ़ायदा उठाइए। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं दीपालपुर में थी वहाँ पर टीचर्स ने आके मुझे दिखाया कि हमने आपकी ये रहनुमाए साज़ा अपने मोबाइल में डाउनलोड की हुई है और जब हमें प्लानिंग करनी होती है तो हम इससे मदद लेते हैं और हमारे पास बिल्कुल साथ ही ये चीज़ होती है। तो बड़ा अच्छा इंटरनेट का एक बहुत फ़ायदा। सालाना, माहाना, हफ्तावार और रोज़ाना की निसाबी तकसीम, तख्ते नम के नमूने, अलशुदा मशकें, जाँच की तजावीज़ इसमें शामिल हैं। इन कुतुब में तरीक़ा हाय तदरीस क्या है, हिकमत अमलिया क्या है,
सबसे ज्यादा जोर ब्रेनस्टॉर्मिंग पे दिया गया है कि फिक्री तहर्रुक आप पैदा कीजिए, तलबा को सिर्फ रटने वाला या सिर्फ आपकी बात सुनने वाला ना बनाइए, बल्कि वो अपने ख्याल का इजहार करने का एतमाद हासिल कर सकें, इनफरादी तौर पर काम करने का भी उन्हें एतमाद और उनमें जज्बा हो, जोड़ियों में वो मिलकर काम कर सकें, और ग्रोही कामों की तजावीज भी इन किताबों में शामिल है। ग्रोही काम का मतलब आप ग्रुप बना दिए क्लास में और हम उस पर बात करते हैं कि रहनुमाई के साथ पढ़ाई हो रही है और शराकत में लिखाई हो रही है, शराकत में पढ़ाई भी हो रही है, यानी गाइडेड रीडिंग और गाइडेड शेयर रीडिंग भी हो रही है और गाइडेड राइटिंग भी हो रही है और शेयर राइटिंग भी हो रही है। तो ये सब इन किताबों में ही दिया गया है। गुफ्त-ओ-शुनीद यानी गुफ्त-ओ-शुनीद का मतलब है कि हमने आपस में तबादला ख्याल किया, उसके जरिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ज़हनी नक्शा कशी माइंड मैपिंग की तरकीबें इसमें है, मैं अभी आगे आपको स्लाइड्स भी दिखाती हूँ। पेशगोई के मौके की फराहमी बहुत बड़ी है, मौसमी पेशगोई नहीं है बल्कि ये है कि हम किसी भी वाक़े से मुतालिक, किसी भी मामले के मुतालिक हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम कैसे पेशगोई कर सकते हैं। मौसमी पेशगोइयाँ भी ऐसी की जाती हैं कि वो सब कुछ देखकर उसका जायजा लेके तजिया करके ही की जाती है। मुतालियाती दौरों, सर्वे, मुसाहिबा, इंटरव्यूज की तजावीज और सरगर्मियाँ हैं कि बच्चे सिर्फ रीडिंग राइटिंग ना करें हो बल्कि जिंदगी से जबान का ताल्लुक कायम करें, ठीक है, क्योंकि जिंदगी से जबान का ताल्लुक कायम करना असहद जरूरी है। इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ख्याल रखा गया, उसका इतलाक किया गया है सवालात में भी, असबाक के सवालात में भी, नीज तफाहीम की मशकों में भी खसूसी तौर पर, और ब्लूम टैक्सोनॉमी की हम अभी आगे बात करते हैं तफसील से। उर्दू का गुलदस्ता में मुतनव तर्ज तहरीर अपनाया भी गया है, इसके असबाक सिर्फ मजामीन पर मुश्तमिल नहीं है, और बच्चों को भी तख्लीकी लिखाई में यह मौके फराहम किए गए हैं कि वो खुद से नज़में बना सकें, खुद से पैराग्राफ लिख सकें, बुक रिपोर्ट्स कर सकें, मजामीन, खतूत, कहानियाँ, अबीतियाँ, सफरनामे, इश्तहार, पैगाम, दावतनामे, मुकालमे, नसल निगारी, वाक़या निगारी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें, ये जो मुख्तलिफ फ़सनाफ़े सुखन हैं, ये किताब में भी हैं और तलबा के लिए भी है कि आप भी कर सकते हैं ये सब। कुतुब के आखिर में फरहंग दी गई है, ठीक है, ताकि बच्चों को और असासे कराम को ही पता हो कि हमें कौन से अल्फाज हैं जिन पर गौर हासिल होना ही चाहिए इस जमात में। ये इसकी मैं बहुत बात कर चुकी, इसके कुछ मैं आपको सफात दिखा रही हूँ। सालाना इसकी तकसीम है निसाब की इन रहनुमाय साजा में। सॉफ्ट बोर्ड का जो नमूना है वो भी दिया गया है। सॉफ्ट बोर्ड आपके विजुअल एड्स होते हैं ना, आपकी बसरी मदद है कि आपने जमात में जो काम करवा रहे हैं, जो सबक हो रहा है, जो कवायद पढ़ाए जा रहे हैं, उससे मुतालिका मवाद अगर आप तख्ते नर्म पे लगा देते हैं, दीवार पे आवेजा कर देते हैं, तो वो आपके लिए मुस्तकिल मदद होती है, आपकी तदरीस में मुस्तकिल मदद होती है कि बच्चों की नज़र से कवायद, वो कवायद गुजरते रहे, गलत जुमला क्या है, सही दुरुस्त जुमला क्या है, इनकी जिद क्या है, मुजक्कर मुअन्नस है तो वो क्या है, वो आपने कर दिए, फिर आपने कुछ नए अल्फाज का जखीरा वहां पे लगा दिया। फिर हम बच्चों के काम को जरूर इतनी अहमियत दें ताकि उनमें एतमाद बढ़े कि जो वो काम कर रहे हैं वो भी हम जरूर एक गोशा उसमें बनाया हुआ हो जिसमें हम बच्चों के कामों की नुमाइश वक्तन फवक्तन करते रहे, ठीक। तो इससे आप देखें कि बच्चों में कितनी दिलचस्पी बढ़ती है और वो कितना शौक से काम करते हैं। इन रहनुमाय साजा के मैंने जैसे कहा कि हलशुदा मशकें हैं, ठीक है, तो अगर मुतरादिफ अल्फाज हैं तो तजवीज़ भी दी गई है कि फ्लैश कार्ड का खेल कैसे करवाया जाएगा, तलबा के हाथों में फ्लैश कार्ड दीजिए, एक फ्लैश कार्ड उठाने पर दूसरा बच्चा उसके मुतरादिफ लफ्ज का फ्लैश कार्ड उठाए, अब उन्हें साथ साथ खड़ा करते जाइए, आखिर में उन्हें वो तलबा जो कार्ड लिए खड़े बेतरतीब करके अपना अपना साथी दोबारा ढूंढने पर तालियां बजवाइए। तो ये छोटी सी सरगर्मियां हैं जो मजे से आप जमात में करवाएंगे, और फिर जो मश्क दी गई है उसकी हरशुदा मश्क भी आपको मिलेगी।
मिसाल के तौर पर ज़रबुल अमसाल किताब में दिए गए हैं कि जुमलों के सामने उनसे मुनासबत रखने वाली ज़रबुल अमसाल चुनकर लिखे। मैं थोड़ी सी पढ़ देती हूँ, फिर आप बताइएगा मुझे कि कौन सी ज़रबुल अमसाल किस जुमले के सामने आनी चाहिए। बगल में लड़का शहर में ढंडोरा, चिराग तले अंधेरा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, बख्शो भी बिल्ली चूहा लंडूरा ही भला, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, साजे की हंडिया चौराहे में फूटती है, बिल्ली को छिछो की रखवाली, दूध का जला छाछ भी फूक कर पीता है, मुद्दई सुस्त गवा चुस्त। सुन लिया था आपने सबने। पहला जुमला है, नहीं भाई नहीं, हम तुम्हारे लाले जले से मुतासर नहीं होंगे। यह कौन सी जरूर मसल आएगी? जी बिल्कुल ठीक, बख्शो भी बिल्ली चूहा लंडूरा ही भला। तुमने पूरे घर में ढूंढा, घड़ी तुम्हारे कमरे से ही मिली। कौन सा है? खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पकड़ता है, नहीं ना। चिराग तले अंधेरा, नहीं। बगल में लड़का शहर में डंडोरा, के पास ही चीज थी और शहर में डंडोरा था, यानी डंडोरे का मतलब कि शहर में धूम शोर मचा हुआ था। ठीक है, तो ये फिर यहाँ पर रहनमाया साजा में आपको मिल भी जाएगी। तैयार मश्क, ठीक, हलचुदा मश्क। जुमले भी अगर ज़रबुल अमसाल के दिए गए हैं किताब में कि इन ज़रबुल अमसाल के जुमले बनाइए, तो उसके मायने और जुमले, मिसालिया जुमले भी टीचर्स गाइड में हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ये जुमले बच्चों को लिखवाएं, लेकिन आपके लिए कि आप इसकी मिसाल एक देख लीजिए असाज़ा के लिए। तशियात हैं, हवाला जात हैं और तशी का तरीका भी दिया गया है। कोई सबक है चचा छक्कर ने रद्दी निकाली जैसे, तो उसके मारूजी वो कसीरुल इंतखाबी सवालात दिए गए हैं, ठीक, क्या आप उसे चुने। मुख्तसर जवाब के सवालात भी हैं, इनकी तादाद ज्यादा है, तो कुछ सवालात आप जमात में करा सकते हैं, कुछ होमवर्क में दे सकते हैं, कुछ जमाने किए जा सकते हैं। तफसीली जवाब के सवालात भी हैं, वो भी ज्यादा हैं, वो भी इसी तरह से आप उनको कुछ जमात में और कुछ घर से दीजिए। बच्चों की दिलचस्पी मजाक से बहुत बढ़ती है। दिल्ली में लोग रथ घोड़ा गाड़ी को मुजक्कर और मौनस दोनों तरह बोलते थे। किसी ने मिर्जा गालिब से पूछा कि हजरत रथ मौनस है या मुजक्कर? आपने कहा भैया जब रथ में औरतें बैठी हो तो मौनस कहो और जब मर्द हो तो मुजक्कर समझो। ख्वाजा हसन निजामी अंग्रेजों से काफी मेलजोल रखते थे। उनके एक दोस्त रिचर्ड विलियम ने उनसे जाहिर मजाक पूछा, अंग्रेज तो सभी एक रंग के होते हैं, लेकिन ये क्या बात है कि हिंदुस्तानियों का रंग एक जैसा नहीं होता। ख्वाजा हसन निजामी ने बर्जस्ता जवाब दिया, घोड़े मुख्तलिफ रंगों के होते हैं लेकिन गधों का एक सही रंग होता है। तो ये वो मजा है जो किताबों में बच्चों की दिलचस्पी के लिए शामिल किया गया है। ऐसे ही दिलचस्प वाक्यात और कुतुब और रसायल से ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए और एक दूसरे को पढ़ने के लिए दीजिए, तो ये फिर बच्चों को कुतुब बीनी की आदत का फरोग भी है और लाइब्रेरी स्किल्स भी, इससे आप वो महारतों को भी बढ़ा सकते हैं। ये भी एक मजाया नज्म है। खुशखती बहुत जरूरी है, खुशखती के लिए इसमें बहुत सी मशकें हैं और ये एक नज्म मैंने शामिल की थी, ये मैं उसका एक नमूना मैं आपको दिखा रही हूँ। कवायद उर्दू के मुश्किल लगते हैं, है नहीं, असल में सलाहात मुश्किल है। बच्चों को अगर आप एक दफा सिखा देंगे मुतरादिफ का मतलब क्या है, मुतशाबे का मतलब क्या है, तो उनके लिए आसानी हो जाती है। तो इनके तुम में मुतरादिफ अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, मुतशाबा मगर मुख्तलिफ उलमानी अल्फाज दिए गए हैं। अल्फाज हैं मानी, जिद अड़ जाना बात मनवाकर छोड़ना, जिद उलट उलट किसी चीज का बरक्स, सेहत तंदुरुस्ती, सेहत दुरुस्ती, ठीक। तो ऐसे अल्फाज जो एक ही हैं, बिल्कुल इमला भी उनकी मुख्तलिफ नहीं है मगर उनके मायने मुख्तलिफ है। तो इससे बड़े मजे से हम अमीर खुसरो ने दो सुखने कहे थे, समोसा खाया क्यों ना, जूता पहना क्यों ना, तलाना था, डोम गाया क्यों ना, गोश खाया क्यों ना, गलाना था। तो तलाना था का मतलब जूते का तला और कोई चीज तेल या घी में तलना। तो ये चीजें थी जो ये उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया था। और भी तरीके हो सकते हैं। मैं वर्कशॉप करवाई थी पिंडी में, तो एक खातून से मैंने कहा कि चले, एक ग्रुप से मैंने कहा, तो उनमें जो खातून आई सामने, उन्होंने इसके लिए कि कैसे मुतशाबा अल्फाज सिखाए जाए, एक लतीफा सुनाया। और उन्होंने कहा कि एक बच्चे ने कहा अपनी अम्मी से आके कि हमारी टीचर कह रही थी, हमारी मिस हमारी मौलिमा कह रही थी
कान से हीरे निकलते, मगर अम्मी मेरे कान से तो हमेशा वैक्स निकलती है। इसी तरह और बहुत से हल्के फुल्के अंदाज से लतीफे सुनाकर बच्चों को ये अल्फाज सिखाए जा सकते हैं। तो बहुत गंभीर बनाने की जरूरत नहीं होती, बहुत आसानी से आप उनको सिखाइए और खुद भी मजा लीजिए और उनको भी जबान की चाशनी और जबान से लुत्फ उठाने का मौका दीजिए। तो ये आवाज के लिहाज से मुतशाबा है और इसकी अगलात में तो टीवी पर और उसमें भी बहुत देखती हूँ कि एक जैसे अल्फाज हैं मगर इमला बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनका बोलने में एक जैसे हैं, तो उसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। सरगर्मियां हैं और हम यहाँ पर मुतजाद अल्फाज की पहले मैं कवायद मुकम्मल कर लूँ। मुतजाद अल्फाज की बात हो रही है, लाइके हैं, खुलासा निगारी है, दरख्वास्त लिखना है, तो ये सब रोजमर्रा जिंदगी की महारतें बच्चों में प्रमोट करने के लिए है कि बच्चे दरख्वास्त लिख सकें, कौंदगी का हदफ एक हासिल कर सकें। तफहीम पे आते हैं। तफहीम जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि तलबा सिर्फ मालूमात हासिल करने पर इतफा ना करें बल्कि उनको समझ भी हो, एप्लीकेशन भी हो, अप्लाई कर सकें, इतलाक कर सकें, जायजा लेने की सलाहियतें हों, वैल्यूएट कर सकते और क्रिएट कर सकते। सबसे हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, सबसे ज्यादा बुलंद जो है वो सोच का मियार वो ये है कि वो खुद से क्रिएट कर सके। मालूमात के असूल से तख्लीक की जानिब बतदरीज सफर करवाया गया है इन किताबों में ताकि सोच की बेदारी पैदा हो सके, वसत जहनी पैदा हो सके और साहिब राय बनने की तैयारी हो सके। मसलन अपने पसंदा किरदार मंजर की तस्वीर बनाइए, इस कहानी को कोई और उन्वान अंजाम या आवाज लिखिए, खुद से कहानियां बनाइए, दावतनामे लिखिए, सोच कर लिखिए कि अगर हालात यही रहे तो चंद बरस बाद मरगला हिल्स कैसी हो जाएंगी, मरगला हिल्स को बचाने और आलूदगी के मसले को हल करने की तजावीज लिखिए, बयान करदा इस इक्तबास में बयान करदा फ्लैट की जिंदगी और गांव की खुली फिजा की जिंदगी का मवाजना और तकाबुल कीजिए, दोनों तर्ज रहायश की कम अज कम चार खूबियां और चार खामियां तहरीर कीजिए, ये तजिया है। ठीक, और ये आपको ये जो जितनी भी चीजें दी हैं, ये जितने भी काम दिए गए हैं, इन सब की हलशुदा मशकें आपको आपकी आसानी के लिए रहनमा साजा में मिल जाएंगी। तफहीम कहानी की अजा की, तफहीम मुख्तलिफ इबारतों की और साथ साथ उनकी तकारीर लिखने की महारतों की नशोनुमा के लिए उसके तरीक़ाकार भी किताबों में और रहनुमा साजा में है। तहरीर के लिए कैसे उनको आमादा किया जाए, अल्फाज साजी से बच्चे किस तरह मजमून तक आए, इसकी मिसालें देख लीजिए। अपनी जमात को चार या पांच तलबा के ग्रुप में तकसीम कीजिए और एक कहानी जो पढ़ाई गई थी, मिर्जा अदीब का एक अफसाना था एक दरख्त के बारे में, उस तमाम ग्रुप इस कहानी को आप बीती के अंदाज में लिखे, मसलन दत्त की आप बीती, इमरान की आप बीती, यानी उस कहानी के किरदारों की जबानी ही आप बीती लिखवाई जा रही है। और फिर उसका तरीका कार भी है कि अनुमान की दो पर्चियां दीजिए और वो कुरानदाजी करें और ये सब चीजें, और आप बीते में क्या क्या शामिल करें, मंजर निगारी, मुकालमे, तासरात, जबान बयान, ये सारी चीजें समझा दी गई कि आपको ये सब करना है। माइंड मैपिंग करवाई गई है, मोबाइल फोन के फवायद और नुकसान, एक आपने ये दे दिया जमात में करवाया और फिर आपने कहा इसी तरह का मजमून कंप्यूटर के बारे में खुद से लिखिए, आपने उनको तरीका क्या बताया, फिर आपने दूसरा अनुमान दिया और कहा इसी तरह माइंड मैपिंग कीजिए, तीन फायदे तीन नुकसान लिखिए और फिर अपना मजमून तश्कील दीजिए। इसी तरह की माइंड मैपिंग यहाँ पे करवाई गई, वक्त की अहमियत और पाबंदी, मजमून फिर किसी भी आपने किसी भी ज़र्बुल मसल पे कहानी लिखवा ली, मजमून लिखवा लिया, कहानी फिर आगे बात आती है कि कहानी कैसे लिखी जाती है, इसका तरीकाकार भी बताया गया है। ठीक, तो ये सब मिसालें इसी की हैं। दरअसल कोशिश ये है कि तलबा और तालिबात अपने जहन को इस्तेमाल करके ये एतमाद हासिल कर सकें कि हम खुद लिख सकते हैं। पांच साल पेपर से में आने वाले तमाम मजामीन को याद करके एग्जाम देना खत्म होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को हम वक्त लगाकर तैयार करें कि वो खुद से लिखने पर कादिर हो सके। आखिरी बात जो मैं करूंगी वो ये होगी कि हम नज़में क्यों नहीं बनवाते, बहुत कम शायर बन रहे हैं, नज़में पढ़ाइए और फिर मिली नगमे लिखवाइए, इन सब की तरकीबें भी
इन जमातों में शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग करवाने लगे हैं, करवाते हैं, और मुझे ये फीडबैक मिलता है टीचर्स की तरफ से कि हमने बच्चों से लिखवाया माशाल्लाह, और उन्होंने लिखा बहुत अच्छा ग्रुप में, और हमने फेसबुक के अपने स्कूल के पेज पे भी उसको डाला, हमने उसको पब्लिश करवाया मैगजीन में। मजे की बात ये बताऊं कि अभी मैं वर्कशॉप सावध में करवा रही थी कुछ महीना कर, तो मैंने जब कहा कि अच्छा नज्म निगारी कैसे कराई जाए, तो वहां पर कुछ असाज़ा उठी, उन्होंने कहा हम करवाते हैं, हम करवाएं। मैंने कहा जरूर, तो उन्होंने वो एक्टिविटी जो मैं करवाती थी उन्होंने खुद करवाई और बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह करवाई। तो करें एक्सपेरिमेंट, तजर्बे करें, और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि बच्चों में कितनी सलाहियतें हैं। मौका मिलने की देर है ना, हमें सिर्फ ये होता है चेक कैसे करेंगे और इमला की गलतियां होंगी, इसको एक तरफ करके उसका हल सोच के अलग से मजमून नवीसी कॉपी बनाइए, उसमें बच्चे लिखे, फिर आप उसकी तस्सीह कीजिए, खुश खत पर दोबारा लिखवा लीजिए, ठीक है। लेकिन ख्याल के इजहार का हुस्न खूबी से करना उन्हें सिखाइए, ठीक। तो उर्दू की तदरीस इन जमातों में दिलचस्प तरीके से करवाना हमारा काम है, और आप माशाल्लाह सब बहुत काबिल लोग हैं माशाल्लाह। सवालात कीजिएगा, आपका बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह।